जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों आज हम स्क्वायर करना सीखेंगे, आप लोग टाइटल देख लिए होंगे सुपर फास्ट स्क्वायर करना सीखे। तो दोस्तों आइए आज हम सीखते हैं कि सुपर फास्ट स्क्वायर कैसे किया जाता है। किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या का हम आज सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्वायर करना, स्क्वायर तो सभी लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई 12 नंबर है तो स्क्वायर कैसे किया जाता है, 12 इंटू 12 कर देते हैं 144, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है, ये स्क्वायर का मतलब है किसी भी संख्या के घात 2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब स्क्वायर क्या होता है, जब नंबर काफी बड़े हो जाते हैं तब हमें दिक्कत होता है। तो आज हम जो ट्रिक सीखने जा रहे हैं वो सिंपल से ट्रिक है, बेस मेथड। वो मेथड है बेस मेथड। अब बेस मेथड क्या होता है, बेस मेथड अगर बेस 10 हो, 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो, अगर किसी संख्या का ये बेस हो तो हम कैसे उस संख्या का स्क्वायर फाइंड करेंगे। कहने का मतलब है, बेस कहने का मतलब है जैसे 100 बेस है तो अगर संख्या 113 हो जाए, 104 हो जाए, 92 हो जाए, 88 हो जाए, अगर ऐसे हो जाए तो इनका हम स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमको इसका स्क्वायर करना हो, इसका स्क्वायर करना हो, इसका स्क्वायर हो, इसका स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे, हमको याद तो होगा नहीं इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर। और जब इसका 1000 का करना होगा, अगर बेस हमारे पास 1000 है तो देख लीजिए 15 कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करना हो, इसका स्क्वायर करना हो, इसका स्क्वायर करना हो या इसका स्क्वायर करना हो तो हम क्या करेंगे, लाइक दैट इसका भी। अगर ऐसे बड़े बड़े नंबर आ जाए हमारे पास और हमको उसका स्क्वायर करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इसी को कहते हैं बेस मेथड से करना। अब देखिए बेस मेथड का हम यूज कैसे करते हैं, आइए सिंपल सा देखते हैं। हम शुरू से चलेंगे, शुरू से एकदम बेसिक से चलेंगे और समझेंगे, आइए देखते हैं। अगर बेस हमारे पास 10 हो तो, बेस हमारे पास 10 हो, 10 कहने का मतलब अगर किसी चीज को सीखना है तो हम शुरू से उसके यूनिट से सीखना शुरू करेंगे तब टॉप तक अच्छे से जाएंगे। अब देखिए क्या है, अगर हमारे पास बेस 10 है तो अगर हमारे पास 12 हो, ठीक है, मतलब कि 10 में क्या हुआ है, प्लस 2 हुआ है। तो बेस मेथड कैसे यूज करते हैं देखिएगा, जितना ज्यादा है संख्या, संख्या 10 से जितना ज्यादा है उसको हम क्या करेंगे, उसमें 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और जितना ज्यादा है उसको इसमें जोड़ देंगे तो 12 प्लस 2 तो हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया। अब ये हो गया 2 दुना के 4, ये 4 हो गया। अब देखिए 0 है, 1 0 है तो हम एक प्लेस बस एक वैल्यू लेंगे, ओके बस हम एक वैल्यू लेंगे, हमारे पास आ गया 144। अगर यही संख्या हमारे पास मान लीजिए 9 हो, 8 मान लेते हैं, ठीक है थोड़ा चलिए 9 ही मान लेते हैं, 9 हो, अगर हमारे पास ये संख्या 9 हो, 9 का स्क्वायर करना है बाई बेस मेथड, वैसे तो सभी जानता है 9 का स्क्वायर होता है 81, लेकिन हम बेस मेथड सीख रहे हैं तो सीखेंगे तो हम कैसे सीखेंगे, तो ऐसे सीखेंगे। अब देखिए क्या है, 9 जो है हमारे पास 9 है तो 9, अब देखिए ये क्या था, 12 का स्क्वायर हमने किया, ठीक है 9 है तो 9 अगर ये क्या है, अगर इसको 10 करना है तो +1 करेंगे, लेकिन हमको +1 नहीं करना, हमको क्या करना है -1, मतलब कि 10 से -1 कम है, 1 कम है तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर दिया, एक का स्क्वायर कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए इसमें से 9 में से 1 घटा देंगे 8 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 8 8 हो गया,
81 हो गया। मतलब कि मैं ये कर रहा हूं, आप लोगों को बेस मेथड सिखा रहा हूं। अब देखिए क्या करना है। अब ये तो 10th वाला हो गया, छोटा छोटा है, सभी को आ जाएगा। अब 100 का लेते हैं। मान लीजिए बेस अगर 100 हो तो, बेस हमारा 100 हो तो क्या करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास 100, पहले छोटा लेते हैं, 103 है, 103 का हमें स्क्वायर करना है, 103 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे? अब देखिए क्या है, हम देख रहे हैं ये 100, बेस हमारा 100 है, 100 के पास है, 100 से 3 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा प्लस 3 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब 103 में 3 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 106 आ जाएगा। अब हमें लिखना कैसे है, 2 जीरो है तो हमारे पास यहां पे 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो 10609 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हुआ स्क्वायर। अगर यही हमारे पास 13 होता, 113 का स्क्वायर करना होता, 113 का स्क्वायर करना होता, तो 100 से 13 ज्यादा है ना, प्लस 13 ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए 13 का स्क्वायर कर देंगे 169, 113 में 13 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 113 प्लस 13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126 और 169। अब हमारे पास कितना है, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो हमें 2 डिजिट लेना है, बस 2 डिजिट लेना है, ये बस 2 डिजिट, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे कैरी हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1 2 एक कैरी हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 69, हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी है। अगर यहीं पे अगर हमारे पास 100 बेस है लेकिन हमारे पास 96 का स्क्वायर करना हो, 96 का स्क्वायर करना हो तो हम क्या करेंगे। अब देखिए 4 कम है, 4 100 से 4 इसमें कम है, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 चौका 16 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से 4 घटा देंगे, तो 4 घटाएंगे तो 92 हो जाएगा। अब देखिए हमें 2 प्लेस लेना है, 2 प्लेस है क्योंकि 0 2 है, जितना 0 रहेगा उतना हम यहां से लेंगे, उतना डिजिट लेंगे। अब देखिए हमारी संख्या क्या होगी, 9216 ये हमारी संख्या होगी। अगर यही 87 हो, 87 का स्क्वायर हो, अगर यही 87 का स्क्वायर हो तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस 13 है, हम लोग 13 का स्क्वायर कर देंगे, 169 कर देंगे, 13 का स्क्वायर हो गया। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 87 में 13 को माइनस करेंगे। अब 13 को माइनस किया हमने तो देखिए क्या आया, ये 4 आ गया, ये 7 आ गया। अब देखिए 0 तो 2 है लेकिन हमें प्लेस वैल्यू 2 चाहिए, एक एक्स्ट्रा है, तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पे कैरी हो जाएगा और उसमें जाकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7569, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखा, बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर हम कुछ और बड़े से बड़ा नंबर लें, कुछ भी लें, तो ये 100 के आसपास वाले बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे, हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हमारे पास बेस 1000 हो तो, बेस अगर हमारे पास बेस जो है वो 1000 हो, ठीक है, 1000 देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, देखिएगा अगर बेस हमारा यहीं पे क्या हो जाए, 1000 हो जाए, बेस 1000 हो जाए, अब हम क्या करेंगे, सेम यही लॉजिक, सेम यही मेथड यूज करेंगे। हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है 16 कर लेते हैं, ठीक है, 16 कर लेते हैं, हमारे पास 16 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो 16 है ये प्लस 16 है, मतलब 100 में जो हुआ प्लस 16 हुआ, तो 16 को क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर कर देंगे पहले और 16 को इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है।
अब देखिए, और इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास 32 हो जाएगा। अब हमें चाहिए तीन डिजिट, हमारे पास तीन डिजिट अवेलेबल है, तीन जीरो है, तीन डिजिट है। अब इसका जो आएगा हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, 10 32, या हम कह सकते हैं 1,32,000, ऐसे कर कह सकते हैं 10,32,256, ठीक है। और अगर यही हमारे पास मान लीजिए दो हो तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास 4 आ गया, 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 1004 आ गया, ऐसे करेंगे 2 प्लस 2, तो हमारे पास ये हो गया 1004। अब हमें कितना चाहिए, तीन डिजिट चाहिए, इसको चार को तीन डिजिट में करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये तीन डिजिट में हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों सबको एक साथ कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है दोस्तों, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारा बेस है उससे जितना कम या जितना ज्यादा रहता है उसका स्क्वायर करते हैं और उसी को प्लस या माइनस करते हैं। अब देखिए क्या है, अगर यही हमारा 97 हो, 997 हो, ठीक है, 997, तो इसका स्क्वायर अगर हमें करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए 3 माइनस है 1000 से, अब 3 अगर माइनस है तो ये तो हमारे पास 9 हो गया, ये 9 हो गया, अब इसमें भी 3 घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 7 माइनस 3 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 9 और 4 हो जाएगा। अब हमें क्या, इसको तीन डिजिट में करना है तो 009 कर देंगे तो हमारे पास 994009, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब देखिए अगर ये बड़ा नंबर हो जाए, मान लीजिए 925 हो जाए, सॉरी 975 हो जाए, इसका स्क्वायर करना है तो ये कितना कम है, 25 कम है, तो 25 का तो आप लोग जानते हैं 25 का कितना होता है, 25 का कितना होता है 625 स्क्वायर, हम कर लेंगे 25 का स्क्वायर कर लेंगे और इसको इसमें से 25 माइनस कर देंगे, 75 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 950 हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा 625। अब देखिए क्या करना है, बस इसी को हमें रख देना है क्योंकि ये तीन डिजिट है, तो तीन डिजिट है तो हम कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम एज इट इज इसे रख देंगे, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ये हो गया 950625, ये मतलब आंसर आ गया। अब देखिए क्या है, अगर हमारे पास बेस जो है बेस 10,000 हो तो, मतलब ऐसे आप कितना भी कर सकते हैं, लाख हो, 2 लाख हो, लाख हो, है ना, लाख के बाद करोड़ हो, कितना भी हो, बस बेस ऐसे हमारा होना चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, 10,000 है, 10,000 है, अब 10,000 है तो अगर हमारे पास 5 मान लेते, 5 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है हमको। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल सेम हमारा वही काम है, 10,000 में ये 5 ज्यादा है तो ये हो गया हमारे पास 5 5 25, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया ये और ये हमारे पास 0 0 0 5 प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 0 0 0 10 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब हमारे पास कितना, 4 0 है तो इसको हमें 4 0 करना होगा, ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 2 5, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है, काफी इजी मेथड है, हमें क्या करना होता है, दुनिया भर का पंचायत नहीं करना होता है, सिंपल सिंपल सा ये काम है, जितना ज्यादा है या जितना कम है उसी का स्क्वायर करते हैं और उसी को माइनस या प्लस करते हैं, ठीक है। और ध्यान देते हैं कितना जीरो बेस है, बेस हमारा कितना जीरो है, 4 0 का है, 2 3 0 का है, 2 0 का, 1 0 का है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 9 9 9 1 कर लेते हैं, 1, ठीक है,
अगर हमें इसका स्क्वायर करना हो तो ये 9 है, माइनस 9 मतलब माइनस 9 10,000 से कम है, अगर इसमें माइनस 9 प्लस कर देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 9 का स्क्वायर करना होता है। अब 9 ही इसमें क्या करना है, अब अगर माइनस है तो माइनस करना होगा। अब देखिए क्या होगा, अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हमारा आ गया। अब 9 का तो स्क्वायर 81 होता है, 81 होता है। अब हमें डिजिट कितना चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, ये 4 डिजिट हो गए। अब देखिए 9982 0081, ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितना इजी है, बहुत इजी है, जितना भी बेस वाला मेथड होता है ना बहुत ज़्यादा इजी होता है। आप लोग करिए, देखिए कितना होता है, कैसे होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।